घर से एक लड़का गायब है। पापा को पागल समझता क्या? बात को नो करूं मैं। कृतिका 12:30 बजे मुझे फोन कर रही है कि हैप्पी एनिवर्सरी। तो चीकू भैया हमें सिखा रहा है गेम चलानी। बोल पापा, मजे करता हूँ मैं बताऊँ आपको बात क्या है। मेरे को कई बार बोला उसने, मम्मा मैं गुस्सो तो चुपचाप, तो मैं तो कुछ भी याद नहीं होता। मेरा शूट है बाहर अब्रॉड और मैं अकेला जा रहा हूँ। मुझे अपना घर से अच्छा कुछ नहीं लगता। तो ये जा रहे हैं दुबई। ये मजाक मत करो कालू भैया। एक दिक्कत सी हो गई है। तो ये हमने किया, वो किसने खराब कर देखो वो बड़े कुछ नहीं दूंगा। राखी आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया सुबह के बज चुके हैं 8 और इस घर से एक लड़का गायब है। और वो कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह सुबह नीचे हरकतें क्या कर रहा है, वो कर रहा है गेमिंग क्योंकि आज संडे और चीकू बनना चाहता है गेमर। हाँ भाई क्या हाल है? GTA 5 खेल रहा था। एक बात बता भाई सुन। ओए हेलो, खाना नहीं कुछ नहीं, तू यहाँ पे आ गया है। बोल किस लिए आया? टाइम क्या हो रहा है? सारे घर के सो रहे हैं। कुछ खा के तो आ जाता, पहले कुछ खा गया। चल पढ़ो। तो अभी चीकू सिखाने वाला है मुझे गेम और मैंने इसका खाना ऊपर ऑर्डर कर दिया। जब तक खाना बनेगा मुझे ये बता दे। मैं ये अगर ना लगाऊं तो पापा आवाज ही नहीं आएगी। आवाज नहीं चाहिए मुझे समझ में नहीं आएगा ना चीकू कुछ भी। पापा ये इससे ना आप अपने वो देखा। मैं एक बार चला के देखता हूँ ठीक है। W से आगे यार ये तो चीकू मुश्किल है ना पापा। पापा देते हैं क्या? मेरे को क्या चलाने नहीं आती क्या? पापा को पागल समझता क्या? अच्छा जैसे राइट आ रही है ना, घर पे ले जाओ उसके घर पे। तो पूरा खींच के रखे हैं काम को। ओहो और स्पीड कैसे भागे? तो पापा इतने स्पीड पे भागते, अगर आपको घर पे जाना तो यहाँ पे मैप। अच्छा इसको मैं ब्रेक किससे मारे? अच्छा इससे ब्रेक है। चलो अभी गाड़ी घुमा लो। अब गाड़ी पे घूमना है आपको तो भैया। फुल मजा आ रहा है मुझे तो। चीकू तू इसलिए खेलता ना अब एक घंटा? इसलिए खेलता हूँ मैं पापा। सही है चल अब कुछ खाने चले। चल छोड़ दे इसको, मैं अभी आके खेलूंगा। हाँ आके खेले। चल गाड़ी को खुली छोड़ गया मैंने, चला ली गाड़ी। खाना मैंने नीचे भिजवा दो। कर लिए नीचे भिजवा दो पापा। चुपचाप ना ऊपर चल ले, एक थप्पड़ खा लेगा मुँह पे समझ गया पापा। हाँ जी जब तक खाना आ रहा है ना मेरा, जब तक मैं बाहर ना आ रहा हूँ। आ रहा नहीं है तो मेरे साथ ऊपर चल रहा है। क्यों? ऊपर खाना है ना। मैं तो नीचे खाने जाऊंगा ना। मेरी बात को नो करूं मैं पापा, आप ही तो मेरे पापा हो। ज्यादा दिमाग मत चला। चल काम और परेशानियों की भाग दौड़ में ना कुछ पता ही नहीं लगा। रात को कृतिका 12:30 बजे मुझे फोन कर रही है कि हैप्पी एनिवर्सरी। याद ही नहीं रहा क्योंकि ना जैद की तबीयत खराब थी, भाग दौड़ बहुत ज्यादा थी। और खुशखबरी है चीकू भी फर्स्ट हो गया है क्लास में। फर्स्ट आ गया पापा मैं। झूठ मत बोलिए चीकू, पता कर लूंगा मैं स्कूल में। अभी पता कर लूंगा पापा। जाओ पता कर लो, अगर फेल आया ना दिन के मैं गेम नहीं खेलूंगा। पक्का? हाँ अभी मैं मैडम को फोन करता हूँ। अभी वाली गाड़ी चला के दिखाओ, ऐसी आवाज आएगी ना पापा। चीकू यार मेरे मजे मत ले ठीक है। चला मुझे आती चलाने, मुझे मत सिखा। चलाओ तो पापा बहुत अच्छी आवाज आएगी और उसके कंट्रोल्स भी अच्छे हैं। अच्छा तो चीकू भैया हमें सिखा रहे गेम चलानी ठीक है चीकू। करे पापा मैंने बोला था ना। आती है चीकू, आती है थोड़े पापा आगे का बोनट देखो आप, मैं चला के दिखाऊंगा। यार चीकू सीखना तो पड़ेगा, थोड़ा सीखने तो दे पापा। नहीं पापा नहीं, गलत टाइम पे आपको करते हो ना। गाने बंद कर, गाने बंद। चीकू ना इस गेम में माहिर हो गए इसलिए ना थोड़ा ज्यादा दिमाग चला रहे। गाइस मैंने अभी ना बाइक ले ली है, चलते बाइक पे। गाना बंद कर दिया चीकू, ये ना मेरी गेमिंग। पापा देखा कैसे चलाता हूँ मैं, मेरे को देख देख के सीखो पापा। कोई बात नहीं, अभी पापा में ठुकने वाला था बच गया मैं। देखो पापा मेरी स्पीड कितने है। तो स्पीड में भगा रहा है चीकू फुल फुल। पापा मजे करता हूँ मैं भाई, मैं भी ठुक गया पापा की तरह। तो चीकू के सुबह सुबह डिमांड आ गई है कि मुझे थोड़ा कहीं घुमा के लेके आओ। कहाँ घूमना है पापा? संडे है ना तो कहीं वाटर पार्क ले चलो आज। वाटर पार्क? चलो मैं सलाह करता हूँ। और भी इसको लेके जाना चाहते? और अभी मम्मा तो नहीं जा सकती क्योंकि सेहत को ध्यान रखेगी, तो अभी हम दोनों चलते हैं बस। चलो मैं देखता हूँ आज। अयान के पास ना कबूतर है जी को, 2-3 कबूतर बोलते रहते हैं पेट में। हाँ बोल रहे ना? ओ, बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमस्ते पापा। अच्छा शाबाश, आशीर्वाद आशीर्वाद। शांति जी को खाना दे दे। अब कहाँ जा रहा है? उधर क्या निकाल रहा है? मैं तो इधर देख रहा था पापा क्या निकाल रहा। कुछ नहीं है, इधर आ जा तू। चल शांति सुन, गोलू और पाल सो रहे हैं, उनको बिल्कुल मत उठाना ठीक है ना। 2-4 दिन की नींद है, उनके थके हुए हैं बिल्कुल। और ओट्स बना दे मेरे लिए, ऊपर जिम जाना मुझे। पापा मैं भी चलूं आपके साथ। कहाँ?
आपके साथ ऊपर जिम करने। चल पापा, जो आपने बोला था ना कल डॉगीज की हेल्प कर रहे हो, तो मैंने ना कल उनको बिस्किट खिला दी। बिस्किट नहीं खिलाते? अच्छा हाँ। उनका ना अलग से फूड आता है। आप ना डॉग फार्म पे जाओ या फिर डॉग वाली दुकान होती है ना, वहाँ से बोलो कि मुझे ना डॉगी के लिए ना कुछ फूड दे दो। अगर बिस्किट खिलाएंगे ना चीकू हम उसको, तो उससे क्या होगा ना कि उसको ना खुजली उजली हो जाएगी। मीठा होता है बिस्किट में, डॉग्स को मीठा नहीं खिलाते। गुड्डा बिस्किट मीठा। हाँ आगे से मत खिलाइए, ठीक है? नींद के चक्कर में बच्चे को भूल जाना कहाँ की मर्यादा है यार। ऐसी नहीं है बात, मैं बताऊँ आपको बात क्या है। हाँ बता। मैं सो रही थी। अच्छा। मेरे पास ही सो रहा था वो। ठीक है ठीक है। मुझे टाइम नहीं पता, मैंने घड़ी नहीं देखी उस टाइम। ठीक है। मेरे को उठा उठा के, मम्मा नींद खुल गई, मम्मा उठ जाऊँ, मम्मा अब मेरी नींद खराब कर रहा हूँ। मैं उठ के आना तो मैंने देखा चीकू कहाँ, चीकू नहीं मिल रहा। फिर मैंने पूछा शांत, चीकू कह रहे भैया तो नीचे गया। तो नीचे गया ना, नीचे गेम खेल रहा है सुबह सुबह। हाँ मेरे को कई बार बोला उसने, मम्मा मैं सो जा चुपचाप, नींद पूरी नहीं हुई नहीं मेरी दो दिन से। और जो घर में नींद आती है ना गाइस, मैं तेरे से नाराज हूँ यार। मेरी एनिवर्सरी तूने ना तो विश किया, ना लेना ना देना। सॉरी मैं सो गई। याद था? नहीं याद था, पर मुझे ये याद है कि हमारे जैद का थर्ड मंथ बर्थडे है। थर्ड या फोर्थ? फोर्थ मंथ बर्थडे है। एनिवर्सरी तो तुम्हारी आती रहेगी हर साल। अच्छा। वैसे मुझे याद नहीं, मुझे अपनी एनिवर्सरी भी याद नहीं है गाइस, मुझे सिर्फ बर्थडे याद रहते हैं। एनिवर्सरी ले लो, कुछ और हमारी मिलने वाली डेट ले लो, या गोलू की इनकी मिलने वाली डेट ले लो, वो कुछ याद नहीं रहता मुझे। कोई बात नहीं, बाद में उसको बताऊंगा, वो याद रखते हैं तेरी चीजें। उसको भी मेरा बर्थडे याद है, एनिवर्सरी तो उसे भी याद नहीं आएगी। मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं होता। आज बर्थडे बर्थडे याद होगा। मेरा बर्थडे, गोलू का बर्थडे, चीकू का बर्थडे। मुझे सिर्फ मेरा बर्थडे याद है और कुछ याद नहीं। झूठ मत बोलो, मेरा बर्थडे बताना। तेरी कसम नहीं याद। भूल गए? याद तो कमजोर हो रही है भाई। तुमको कितना याद दिलाती हूँ मैं, फिर भी भूल जाते हो। 4 मार्च को तेरा है, 20 मार्च को गोलू का है, 15 दिसंबर को मेरा है, और 5वें महीने 5 तारीख को चीकू का है। 5 मई। चलो इतना तो याद है कम से कम। और अभी जो हमारे बच्चे हुए नहीं, बच्चों की तो मैंने गूगल पर डलवा रखे, मैं वहाँ से चेक कर लूँ। तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरा शूट है बाहर अब्रॉड और मैं अकेला जा रहा हूँ। तू नहीं जा रही मेरे साथ। मैं हूँ ही नहीं तो मैं कैसे जाऊंगी? मैं ऐसे जिद भी नहीं करती गाइस, मुझे अपना घर से अच्छा कुछ नहीं लगता। तो मैं पूरे 10 दिन के लिए गायब हूँ, वहाँ से बढ़िया बढ़िया वीडियो रील ब्लॉग बना बना के दिखाऊंगा इसको। वो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ से आते हुए अगर आप हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाए, बाहर के गिफ्ट वापस, मेरी बात सुन, इंडिया से जाते तकरीबन गिफ्ट वापस है तेरे को। नहीं ये आपकी गलतफहमी है गाइस। गाइस ये कहाँ जा रहे बता दूं? हां बता दे। तो ये जा रहे हैं दुबई, और आप सबको पता है दुबई का प्रोटीन, दुबई का मेकअप, वहाँ जैसा मेकअप कहीं नहीं मिलता। जो भी लोग जाते हैं ना दुबई से, जरूर मेकअप और प्रोटीन लेके आते हैं। तो आप अपने लिए और हमारे लिए प्रोटीन लेके आना वहाँ से, और मेकअप लेके आना। मेकअप तो तेरे लिए लेके आऊंगा ना, थोड़ा बहुत तो मैं भी कर दूं, टचअप कर दूं दोबारा वे फाउंडेशन से। कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल गया तो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपकी भी हार नहीं होगी, आपको जरूर मिलेगा। तो गाइस अभी अभी एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाई है मैंने, मनदीप भाई और पायल ने फेसबुक की। हमने शॉर्ट्स वीडियो की शुरुआत कर दी है दोबारा से, मनदीप भाई और यहाँ पे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी कर रहे हैं एडिटिंग, और बनने के बाद लिंक होगा बायो में, जरूर चेक करना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस कल है मंडे, और कल हम करवाने वाले हैं घर में हवन, जैद को लेके, सुख शांति को लेके, कि बच्चे दोबारा बीमार ना हो, क्या बोलते हो भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये बात पायल ने ना तभी बोल दी थी कि जब जैद हॉस्पिटल में था, कि हॉस्पिटल से जैद आएगा ना तो हम हवन रखवाएंगे। मैं पंडित जी से टाइमिंग वगैरह पूछ लेती हूँ, सामग्री वगैरह पूछ लेती हूँ और सब मंगवा लेती हूँ। हाँ तो अभी कालू और मनदीप भाई गए हैं जगह देखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डोक फार्म खोल रहे हैं। जो डोक फार्म में अभी वाला देख के आया था वो यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने टाउन में थोड़ी दिक्कत आएगी। हम आसपास ही देख रहे हैं, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में देख रहे हैं, जिससे हम घर आना जाना जल्दी कर पाए, है ना? हाँ क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी है ना, और हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपकी ना, तो अगर आप दूर हुए तो आने में टाइम लगेगा, इसलिए आसपास ही देखो ताकि आप घर भी देख पाओ और जिनको आप पालना चाहते हो, जिनकी केयर करना चाहते हो, उनको भी ठीक से टाइम दे। और साथ ही साथ ना हम लोग भी वहाँ पे जा सके, हमारे लिए भी इजी रहे, जैसे मेरे लिए पायल के लिए भी, कभी हमें फार्म जाना हो डॉग्स को काउस को देखना हो तो हम लोग भी जा सकते हैं इजीली। तो थैंक यू सो मच गाइस, जो बच्चा बीमार था 1 किलो वाला, उसको ना बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया है, और अभी हमने उनसे बात की तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो थैंक यू सो मच करने वाली है बाय। तो मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, पहले आप ये देख लीजिए, और मैंने उनका नंबर जो ना हेल्प के नाम से सेव किया हुआ है। तो ये देखिए, ये सारे स्क्रीनशॉट है जो आप लोगों ने हमारा ब्लॉग देख के वहाँ से नंबर निकाल के उन लोगों की हेल्प करी है, तो सबके नाम मैं ले लूंगी यहाँ पे, ताकि आप सबको अप्रिशिएट भी कर सकें कि आपने एक ऐसे बच्चे की हेल्प की जो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस था, और साथ ही साथ उसकी
कंडीशन अब पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। कल जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कल जाके उसकी जो है काउंटर पेमेंट सारी हम लोग वहाँ पे कर देंगे और बच्चा जो है अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा। तो गाइस जिन जिन ने पेमेंट्स करी है ना मैं उनके नाम बता देती हूँ, अमाउंट नहीं बताऊंगी। तो पहला नाम है जयश्री, सेकेंड धर्मेंद्र सिंह नाहर, थर्ड पूजा पोपली, फोर्थ तनिषा, फिफ्थ दीक्षा, सिक्स जीव राजनी कोमल, किरण सिसोदिया, नेक्स्ट राधा मेहता, वी नाधिया, काजोल, लता रानी, मुस्कान मोहानी डॉटर ऑफ मोहनलाल, सोंत प्रोडक्शंस, विजय सिंह, खुशबू चावला, शगुन खेरा, सुलकृष्णा भरगता, आंचल, जसप्रीत कौर, एकता चौहान, रणधीर सिंह, अमरीन असलम खान, आरती कुमारी, पल्लवी बिष्ट, पूनम परवाह, प्रियंका, सोनू बिष्ट, नैना, शेफ किचन रोल, MS राधा रानी, हीना तुलसी, अंजलि मलिक, हर्षिता गोयल डॉटर ऑफ राजीव कृष्णा, कृतिका चोपड़ा, शेख नाजमीन बाबू, अमृता रॉय, लक्ष्मी खंपति, मंजूश्री, खुशबू देवी, रणधीर सिंह, मिसेस मीनाक्षी मनोज शर्मा, पायल कुमारी, जसप्रीत कौर, निकिता कक्कर, अमनदीप डॉटर ऑफ जस्सा सिंह, कुलविंदर कौर, शिवम अग्रवाल, मोनल मोहदरान, संदीप कुमार देश, MR उज्जवल, राजेश कुमार, स्वाति गर्ग, एक की ट्रांजेक्शन है उसका नाम नहीं है, दिया अग्रवाल, सरब सैनी सिन्हा, श्रेया मेहता, एक और ट्रांजेक्शन का नाम नहीं है, वर्षा पतिदार, रवीना काला, प्रिया रंजन ठाकुर, जयमाला पटेल। तो गाइज ये सारी ट्रांजेक्शन थी, इनमें से सिर्फ तीन ट्रांजेक्शन के नाम नहीं थे तो बट मैं वो ले नहीं पाई। बाकी थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने एक छोटे बच्चे की हेल्प करी और इस हेल्प से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब कि वो जो उसकी फैमिली थी ना, काफी उसकी जो कंडीशन थी पुअर थी, अब ये जो जितनी भी आपने हेल्प करी है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो इस हेल्प से बच्चे की जो हेल्थ है, आगे की जो चीजें होंगी, डायपर क्रीम या कुछ भी चीजें होंगी, उन सब के अंदर उसकी मदद होगी। तो यहाँ पर आ गए पंडित जी, और पंडित जी को हमने बोला है कि हवन करना बच्चों के नाम का, और यहाँ पर बच्चों के नाम से कुंडलियाँ बढ़ी जा रही हैं। तो पंडित जी कुंडली में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों की? अभी जैद की कुंडली देख रहा हूँ मैं, चंद्रमा कष्टकारी हो रहा है, छठवें घर में बैठा है रोग स्थान में, ये 2025 तक रहेगी चंद्रमा की दशा बच्चे पे। हाँ 2025 अभी आने वाला है, तेईस चल रहा है, 24-25। तो ये छठवें घर में बैठा हुआ है, रोग स्थान में बैठा हुआ है, ये क्या है, रोग ऋण शत्रु, मतलब रोग लगाएगा खर्चे बढ़ाएगा। इलाज क्या है इसका? जो ये कुंडलियां है ना तीनों बच्चों की, तो इसका एक ही इलाज है कि इसका आप महामृत्युंजय का पाठ। हमें गाइस हमें सब्सक्राइबर्स के भी कुछ कमेंट्स आ रखे थे ऐसे कि आप लोगों को महामृत्युंजय का पाठ करवाना चाहिए घर में। इसमें सर्व कष्ट निवारण के लिए कितने दिन का होता है? 5 दिन लगते हैं। तो कर दो फिर, उसमें परमानेंट आप बैठे रह करोगे? उसमें 5 ब्राह्मण लगेंगे। कोई बात नहीं, जब 50 लगे है ना भाई। नहीं जब 3 बच्चे हैं तो फिर सवाल आपका ही करवाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे परिवार के कष्ट के लिए जो है ना महामृत्युंजय, देखो ऐसा नहीं है जब हम पे दुख आता है ना तभी हम भगवान को पुकारते हैं, लेकिन महामृत्युंजय कराना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, तो हमें जो है महामृत्युंजय साल 2 साल में कराना चाहिए। हमें दोनों क्या है ना कि जो हमारे सब्सक्राइबर है ना वही हमारे लिए बड़े बूढ़े हैं, सब चीजें वो बता देते तो हम कर लेते हैं। क्यों ना, जब कमाने की उम्र थी ना, मतलब जब हम इस लाइन में आए, माँ बाप थे नहीं, कुछ समझ है नहीं, तो ये रहता है भैया किसी का हमसे बुरा ना हो तो हम तो सीधा चलते रहते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि ये करना चाहिए तो हम करवा देते हैं, मना किसी चीज के लिए नहीं। घर में कोई जैसे होता है ना सास होती है, बड़ी होती है, ऐसे कोई हमारा बड़ा नहीं, तो आपको जो सही लगे ना करवाना चाहिए वही हम करवा लेंगे। तो मेरा कहने मतलब है महामृत्युंजय करा दो, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप वही कर दो। इससे ये रहेगा पूरे परिवार में जितने भी सबके ग्रह है, ठीक है, मलिक जी हो गए, आपके हो गए, कृतिका जी के हो गए, है ना, ये बच्चों के हो गए, ये चीकू हो गया, सबके ग्रह शांत हो जाएंगे और घर में जो है महामृत्युंजय का होना मतलब एक अच्छी बात है। वही कर दो। तो पंडित जी ने जब कुंडली बनाई थी ना तभी पंडित जी ने लिख दिया था कि संघर्षपूर्ण रहेगा, थोड़ा सा मतलब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा स्टार्टिंग के डेज में। ये जैद की कुंडली में, जैद की कुंडली में। तो इसलिए जैद वैसे भी ना 2 बार हॉस्पिटल जा चुका है, हम नहीं चाहते पंडित जी अब हमारे बच्चे पे कोई भी दुख तकलीफ आए, तो आप ना बस अब हमें बता दो कि इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, वो हम सारी तैयारी कर लेते हैं। आप 5 पंडित जी आप देख लेना कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। ठीक है, कर देते हैं। अयान और हम जा रहे बारिश में नहाने। क्यों बच्चे को उड़ने के लिए आते हैं? तो बच्चा मैं पकड़ रहा हूँ बच्चे को, बारिश में हम नहा के आ जाएंगे। ताऊ बेटा चले, बेटा चल चलते हैं। ले गया पायल वो? ये मजाक मत करो कालू भैया, पागल हो गए हो क्या? अरे ले गया ऊपर ले गया वो कालू भैया, बच्चे रहे। हाँ देखो डर लग जाएगी। ठंड नहीं लगती, हम यहीं पर है ना, मम्मी डर गई थी, मुझे लगा कहीं मजाक में ऊपर ना ले जाए सच में। तो गाइस बहुत ही लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और कुछ लोग हैं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो रेगुलर हमने उनका एक बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई करने का तरीका ढूंढा है। सेटअप आपको दिखा देता हूं, जो आवाजें आपकी कानों में गूंजने वाली हैं, जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं वो भी और जो बुरे करते हैं वो भी।
तो गाइस ये कमेंट वाली वीडियो आने वाली है रोज टॉक विद कृतिका भी, आप जाना देखना और भर भर के कमेंट आप किसी भी हमारे चैनल पे करेंगे अरमान मलिक फैमिली फिटनेस चीकू वाले पे, तो हम आपको डेली रिप्लाई देने वाले, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी मैं जा रहा हूँ 1 घंटे के लिए भैया कार्डियो वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मेरे गाने का शूट है, उसके बाद मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है, उसके लिए पूरा डाइट पे रहने वाला हूँ और चीकू मुझे देखने आया। क्या बात, पापा मेरा पासपोर्ट है, मैं भी जाऊंगा आपके साथ बाहर कहीं। बेटा अकेले जाना, पापा मुझे भी जाना है, पापा मुझे भी जाना। हाँ पापा, मैं तो शूटिंग वूटिंग होगी ना चीकू, कोई बात नहीं मैं भी चलूंगा पापा। मम्मी से पूछ पहले, मम्मा पाले ये कह रहा है कि मुझे भी लेके चलो बाहर घुमाने के लिए। नहीं गुड्डू, इसको सुबह स्कूल जाना है यार। तो कैंसिल वोटिंग भैया। थैंक यू सो मच, आपने इस कैमरे का ब्लॉग देखा और बहुत सारे कमेंट आ रखे थे आवाज को लेके, चीजों को लेके, और गोलू ने भी देखा, कैसी थी क्वालिटी? बहुत अच्छी क्वालिटी थी। इसकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ना ये वाइड है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग व्लॉगिंग करते हैं ना तो कभी कभी सर पैर ऐसे प्रॉपर एंगल बनता नहीं, हमारे पीछे अगर 2-4 लोग होते हैं ना वो प्रॉपरली आ नहीं पाते, फिर ऐसे हाथ करना पड़ता है। तो इसकी ये चीज अच्छी है, वाइड एंगल है, साथ ही साथ क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो ये कमरा मैंने बहुत खुशी से तैयार करवाया था, यहाँ पे देखो हैंगर बना रहा है। दिक्कत सी हो गई है मेरे को, ऐसा लग रहा है देखो सामने वाली दीवार पे सीलन सारी, जो चेक करना सीलन आ नहीं रही, सीलन है, सीलन बहुत गंदी है। तो यार गोलू मैंने भी आज देखा, बड़ी गंदी आ रही है। पापा इसी का चाकू से हट जाएगी, चाकू से नहीं हटती, इसके अंदर ना पानी की दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं। सुनो मैं ये कह रही हूँ, पायल कह रही है इस वाले रूम में भी, हमारे रूम में भी आ रही है सीलन बड़े वाले कमरे में। यार देखना यार मेरे को लग नहीं रहा है, पेंट सा हुआ था सब जगह, ऐसे ऐसे हो रहा है। ये तो तुमने खराब किया था ना। चलो ये हमने किया, वो किसने खराब करे? देखो वो कोने तोड़ रखे बेटा तुमने, कोने टूटे हुए, ये सीलन नहीं है, ये कोने तुमने तोड़ रखे। ये कोने तोड़ रखे हैं। मैंने नहीं तोड़े, मैं कैसे तोड़ूंगी कोने? चीकू ने तोड़ दिए होंगे बाहर अंदर कुछ। अच्छा, ले जाते हुए ये देखो ये तुमने तोड़ रखे हैं। मैं समझ गई, ये हो सकता है कि कोई सामान वामान इधर उधर शिफ्ट हुआ होगा ना बाहर, हमारे सामान भी तो एक तो इतना होता है। अरे भैया बताइए चीकू तूने करा है? मैंने अगर करते होते तो मैं हाथ से करता, मेरे ऐसे हाथ से थोड़ी होते हैं पापा। तू बा मम्मा की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगे। मम्मा हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आपने हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ये मेरा है, मेरे दोस्तों ने दिया है। तो क्या हुआ, जो चीज आपके वो आपकी बहन की भी है? कितनी अच्छी लग रही है इसके हाथ पे, कितनी गुत्तू पाई लग ली है ये, छोटे गुत्तू पाई लग ली है। तू तो अभी इसको कुछ दे रहा, बड़े होकर क्या देगा? बड़े होकर कुछ नहीं दूंगा, राखी आ रही है। तो गाइस आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, नमस्कार बाय बाय, अल्लाह हाफिज, ध्यान रखो, सेफ रहो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते।